आपको पिछले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक पुराना मोटरसाइकिल था जिसको हम तैयार कर रहे थे और काफी सारा हम उस पर काम भी कर चुके थे। और पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो जाके पिछली वीडियो देख सकता है पेज पे जाकर। और आज हमारे पास ये कंप्लीट मोटरसाइकिल तैयार हो गया है। इसके ऊपर टोटल 20 से 25 हज़ार के दरम्यान खर्चा हुआ है, 20, 22, 25 इतना लग गया है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हुआ ये है कि हम लोगों ने इसके ऊपर जितनी मेहनत की है या जो भी मामलात होते रहे हैं, तो इन भाइयों ने थोड़ा सा सब्र किया है कि जो ना हमें दुकान के और भी मामला देखने पड़ते थे और भी काम करने पड़ते थे, लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी काम करते रहे। आज ये बाइक मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और हम इनको डिलीवर करने वाले हैं। इस बाइक को इन्होंने टोटल 10 हज़ार रुपये में ख़रीदा था, ठीक है, जिसका ये फ्रेम वगैरह कुछ बचा हुआ था, बाकी सारा जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके माशाल्लाह कंप्लीट थे और इन्होंने आके हमारे जिम्मे लगा दिया कि ये इसको आपने तैयार करना है। तो इसके ऊपर टोटल अगर 25 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है, 10 हज़ार वो मिला के तो 25 ये, तो टोटल ये 35 हज़ार रुपये में इसको बिल्कुल ज़बरदस्त मोटरसाइकिल मिल रहा है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने पेंट कराई हैं, रंग कराई हैं और भट्टी कलर कराई हैं, ठीक है। अब जैसा कि इसके टैंकी टापे हैं, ये टैंकी टापे दोबारा से तैयार हुए हुए हैं, जेनुअन टैंकी टापे थे, फिर हमने इसको 23 मॉडल के टैंकी टापे में तैयार कराया है, ठीक है। इसके जो हब वगैरह हैं वो हब भी हमने क्या किए हैं, इसको हमने तैयार करवाए हैं, इसको दोबारा से हमने बफ करवाया है, ठीक है। अब इसके साइड टापे देख रहे हैं, साइड टापे जो है ना ये और सिलेंसर वगैरह ये सारे बफ हैं। मैं समझता हूँ कि आजकल महंगाई के दौर में हमें इतना कुछ जो है ना वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक लाख 16 हज़ार रुपये का नया मोटरसाइकिल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इतना जो है ना करना चाहिए कि एक पुराना सा मोटरसाइकिल है और उसके उसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा करके जो है ना उसको दोबारा जो है ना मॉडिफाइड करके हम इसको अच्छा करके बना सकते हैं। तो मैं इस भाई से क्वेश्चन करूँगा कि इन्होंने इस टाइम हमें किस तरह पाया, कम से कम इसको तैयार करते हुए 15 से 20 दिन हमें लग गए और ये साथ साथ खर्चा भी करते रहे और इनके शौक के मुताबिक हमने ये सारी चीज़ तैयार की। तो मैं भाई से पूछता हूँ कि मोटरसाइकिल कितने का लिया था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा ये मोटरसाइकिल कितने का लिया आपने? मैंने 10 हज़ार का लिया था। 10 हज़ार का मोटरसाइकिल लिया, इसके ऊपर टोटल कितना खर्चा हुआ? 25 हज़ार हो गया। 25 हज़ार खर्चा हो गया, मतलब ये टोटल आपको मोटरसाइकिल 35 हज़ार में पड़ गया। तो क्या इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं आप? बिल्कुल। क्या अगर महंगाई के दौर में अगर आप मिसाल के तौर पर नया मॉडल नहीं ले सकते तो आप दोबारा मोटरसाइकिल नया करवा सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। अभी आपने जो ट्रायल ली है इस मोटरसाइकिल की, आप इस मोटरसाइकिल के मतलब सस्पेंशन से, जंप वगैरह से, शॉक वगैरह से सब सबसे सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे ये कस्टमर है और भाई भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सेटिस्फाइड है इस चीज़ से। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप नया मोटरसाइकिल लेने के बजाय आप पुराने मोटरसाइकिल को तैयार करें जिसमें आपको काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं। अब ये 35 हज़ार रुपये में पूरा मोटरसाइकिल तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी भी भाई ने मोटरसाइकिल तैयार करवाना है तो हम हाज़िर हैं, हम आपको एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।